हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हंसराज राठौर और मैं एक किराना सेल्समैन हूं। तो आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि मैंने सेल्समैन का काम कैसे और कब और कितने पैसों में शुरू किया था। तो सब कुछ बताने वाला हूं डिटेल में, तो जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं पहले गुजरात रहता था। गुजरात यानी सूरत में हीरे का काम करता था, हीरे तराशने का काम मैं करता था। तो मैंने वहां पे है ना 8-10 साल काम किया था। फिर क्या है, हमारा जो काम था वो हो गया था बंद, तो मैं आ गया था घर पे। तो मैं आपको बता दूं, यानी 2015 में मैं घर आ गया था। वहां से मैंने काम छोड़ दिया था, मेरा काम वहां चल नहीं रहा था, इसलिए मैंने वहां से काम छोड़ दिया था। तो मैं 2015 में घर आ गया, तो मैंने क्या है दूसरा काम ढूंढना शुरू किया। तो दूसरा काम मैंने ढूंढा, तो दूसरा काम मुझे नहीं मिला। तो ऐसे ही ऐसे मैंने 4-5 महीने निकाल दिए, तो मुझे काम नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने देखा क्यों ना सेल्समैन का काम किया जाए, मैं सोच रहा था। तो मेरे पास क्या है, उस टाइम पैसे भी नहीं थे, तो मैंने क्या है अपनी दीदी से 1500 रुपए उधार लेकर और 1500 से मैंने सेल्समैन का काम शुरू किया था। तो मैंने सोचा कि पैसों की व्यवस्था तो हो गई, अब हमारे पास सेल्समैन का काम हम करेंगे कैसे, ना तो हमारे पास अच्छी सी साइकिल है। यानी हमारे पास साइकिल तो थी, वो हमने क्या है पहले 2-3 साल पहले भाइयों के लिए पढ़ने के लिए ली थी। भाई हमारे छोटे छोटे थे उस समय, तो मैंने छोटी साइकिल ली थी, क्योंकि बड़ी साइकिल तो वो चला नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने छोटी साइकिल ली थी। जो छोटी साइकिल थी वो भी पुरानी हो गई थी, और उसमें क्या है यानी मैं चलाता था तो मुझे काफी दिक्कत आती थी, क्योंकि वो साइकिल थी छोटी, और भाई जो छोटे भाई उनको तो दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन उसमें क्या है जैसे टूटी फूटी साइकिल थी, तो हमने क्या है उसकी रिपेयर कराने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं, क्योंकि हमने सेल्समैन का काम करने के लिए भी पैसे उधार लिए थे, अब साइकिल में कहां से लगाएं। तो जैसे ही मैं सामान बेचने गया, तो पहले ही दिन मेरी यानी मैं गया 4-5 दुकानों पर, तो किसी ने मुझसे एक डिब्बा लिया और किसी ने मुझसे टॉफियों के पैकेट लिए। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, टोटल मिला के मेरी 500-700 रुपए की बिक्री पहले दिन हो गई थी। तो 500-700 रुपए लेके मैं फिर मार्केट गया और 500-700 का सामान लाया। फिर मैं दूसरे दिन गया, तो मेरी बिक्री हो गई थी 1200-1200 रुपए की। तो 1200-1200 रुपए लेकर मैं फिर मार्केट गया, यानी जो जो दुकानदार सामान मांग रहे थे वही वो मैं लेकर आया नया, क्योंकि कुछ सामान तो मुझ पर पहले का ही रखा था। यानी जो जो दुकानदारों ने बोला कि ये है तुम्हारे पास, ये है तुम्हारे पास, वही सामान मैं फिर मार्केट से लाया दोबारा। तो धीरे धीरे क्या है हमारी जो पूंजी थी उसमें धीरे धीरे इजाफा होने लगा, और फिर जो जो दुकानदार बोलते थे कि ये सामान लाना है आपको, ये लाना है, तो मैं वही वही सामान लेकर उनको दे आता था। तो ऐसे ही ऐसे दोस्तों हमने काम चलाया। फिर क्या है हमें दिक्कत आने लगी, क्योंकि दुकानदार सामान मांगने लगे, तो हमारे पास सामान भी थोड़ा ज्यादा हो गया, और साइकिल पर क्या है साइकिल पर काफी दिक्कत आती थी, क्योंकि साइकिल थी छोटी, उसको मैं ऐसे पैदल पैदल ले जाता था, क्योंकि साइकिल थी छोटी तो मुझे चलाने में भी काफी दिक्कत आती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना बाइक का जुगाड़ किया जाए। तो हमारे एक रिश्तेदार थे, तो हमने उनसे बोला कि तुम हमें अपनी बाइक दे दो कुछ दिनों के लिए। तो उन्होंने बोला कि हमारी बाइक तो खराब है। तो हमने बोला उनसे हम उसमें रिपेयर करा लेंगे, यानी उसमें काम करवा लेंगे, आप हमें दे दो। तो उन्होंने क्या है हमें वो बाइक दे दी। तो उसमें क्या है हमने 3000 रुपए लगाए थे, 3000 रुपए लगाकर वो बाइक सही हो गई। फिर हमने बाइक से काम शुरू किया, मैं और मेरा भाई दोनों जाते थे बाइक पर। फिर क्या है हम बाजार में भी जाते थे, यानी जो लोकल हमारे पास जो बाजार है उसमें भी जाते थे। फिर हम गांवों में भी जाने लगे, गांवों में जाने लगे, तो हमारा क्या है धीरे धीरे हमारी सेल बढ़ती गई और हमारा काम चलता रहा। तो जैसे जैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, फिर क्या है हमारे भाई की वहां नौकरी लग गई थी, यानी जॉब लग गई थी। तो भाई तो चला गया वहां, फिर मैं अकेले ही धीरे धीरे काम करने लगा। तो पहले क्या है हमारे पास बाइक पर सामान वही मैं जितनी सेल होती थी 5-6 हजार की, उसी हिसाब से सामान ले जाता था। फिर मैंने सोचा क्यों ना सामान बढ़ाया जाए, क्योंकि सेल अभी कम है, इनकम कम है, यानी तब भी मैं 500-600 रुपए आराम से कमा लेता था। तो फिर क्या है फिर लग गया लॉकडाउन, लॉकडाउन लग गया तो 1 महीने हमारा काम बंद रहा। 1 महीने के बाद थोड़ा थोड़ा बाजार खुलने लगा। जो हमारे होलसेलर थे उनसे मैंने पूछा कि आपके पास कुछ सामान है, तो उन्होंने बोला हमारे पास ये 1-2 आइटम उन्होंने बताए थे वो हैं। तो फिर मैंने बोला तो ठीक है मुझे आप ये दे देना। तो मैं उनके पास से सामान लाया, फिर मैं थोड़ा बहुत सामान इकट्ठा करके यानी कुछ आइटम इससे लिए कुछ उनसे लिए, यानी 4-5 होलसेलर हैं, तो मैंने सबसे थोड़ा थोड़ा सामान लिया। तो थोड़ा थोड़ा सामान लेकर फिर मैं गया सेल पर। तो यानी मैं यहाँ से निकल गया 5 बजे निकल गया, यानी गर्मियों के दिन थे तो थोड़ी थोड़ी ठंडी थी, तो यानी यहाँ से 5 बजे निकल गया। तो जैसे ही मैं दुकान पर गया तो उन्होंने है ना 3000 का सामान मुझसे ले लिया, क्योंकि हमारे पास सामान भी कम था। तो 3000 को
उन्होंने ले लिया, फिर मैं दूसरी दुकान पर गया तो 2500 का उन्होंने ले लिया, तो ऐसे ही हमारा पूरा सामान 3-4 दुकानों पर खाली हो गया। तो यानी 1.5-2 घंटे में हमारा सारा सामान बेच गया, तो हमने सोचा अब सामान कहाँ से लाए, तो हमने फिर फोन लगाया होलसेलर को कि आपके पास ये है। तो मैं दूसरे दिन क्या है 5-6-7-8 हजार का सामान ले गया। तो ऐसे ही फिर मैंने सोचा क्यों ना जुगाड़ लगाई जाए, तो मैंने क्या है लोहे की क्रेट बनवाई थी, पिछले वीडियो में मैंने बताया भी है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो लोहे की क्रेट जो मैंने बनवाई थी 1200 रुपए की पड़ी थी मुझे, तो उसमें क्या है 3 कुंदे इस साइड है, 3 उस साइड है, तो आराम से 6 थैले उसमें आ जाते हैं, यानी 6 बैग आराम से टक जाते हैं। और उसमें पहले क्या था मेरे पास क्रेट नहीं थी, तो मैं क्या करता था यानी बाइक पर 2 बैग इस साइड लटका लेता था, 2 बैग उस साइड लटका लेता था, तो यानी बैग जब भरे हुए होते थे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती थी, जैसे ही थोड़े बैग खाली हुए तो वो बैग क्या है टायर में चले जाते थे, यानी टायर में चले जाते थे तो बैग फट जाता था और उसमें जो सामान रहता था उसमें भी नुकसान हो जाता था। तो दोस्तों मैं अब आपको बता दूं, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं आती, अब मैं आराम से 15-20 हजार का सामान बाइक पर आराम से ले जाता हूं और कहीं भी कोई मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। पहले क्या है मेरा कभी कभी तो सामान भी गिर जाता था, लेकिन अब मुझे कोई दिक्कत नहीं आती और डेली मेरी 10-15 हजार की सेल हो जाती है। और मैंने 1500 से काम शुरू किया था, आज की डेट में मेरा 4 लाख का सामान है मुझ पर और अच्छा खासा मेरा काम चल रहा है, मैं 1500 से 2000 रुपए रोज कमा लेता हूँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर ले सब्सक्राइब। धन्यवाद।